नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी पॉलिटी की लास्ट क्लास में हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण समझ रहे थे। उसमें हम लोगों ने संविधान का जो संविधान सभा का निर्माण वो हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान के निर्माण का ही जो हमारा पिछला वीडियो था उसी का क्रम विकास है। आज हम लोग जो हमारा एक डेट हम लोग जिस पर पिछली बार पहुंचे थे 9 दिसंबर 1946, तो उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे 9 दिसंबर 1946। देखिए यहाँ से अब जो संविधान का आपका पोर्शन इस समय चल रहा है इसमें एक एक डेट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक दिनांक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो आप लोगों को याद करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रश्न उससे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, जब हमारा ये जो संविधान सभा जो हम लोग ने बताया था कि जैसे कैबिनेट मिशन हुआ, कैबिनेट मिशन जब हमारा आया तो उसने उसके आधार पर चुनाव हुए, ठीक है, चुनाव हुए, चुनाव से जो है हम लोगों ने संविधान सभा बनाई और उसी से एक अस्थाई सरकार का भी गठन किया गया। अस्थाई सरकार या अंतरिम सरकार कह सकते हैं या मंत्रिमंडल कह सकते हैं सीधा, कि एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया ताकि जो सरकार है वो चलाई जा सके। सरकार का जो गठन हुआ उसमें जो मंत्रिमंडल गठित हुई उसमें कौन जो है वो उपाध्यक्ष था, कौन उसका जो है खाद्य मंत्री बना, वित्त मंत्री बना, इससे रिलेटेड कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हम लोग एक साथ उसको हम लोग दो, मतलब वो दो का सेट रहता है तो वो हम लोग एक साथ अलग से कर लेंगे उसको, क्योंकि वो टेबल के माध्यम से समझना होगा। अभी हम लोग संविधान बना रहे हैं तो संविधान पे बात करते हैं। तो देखिए, जो चुनाव हुआ उसके आधार पे हमारी संविधान सभा बनी। संविधान सभा बनी तो ये जो है इसी की पहली बैठक जो हुई, जब मेंबर सिलेक्ट कर लिए गए तो जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो 9 दिसंबर 1946 को जब इसकी पहली बैठक हुई तो सबसे पहला काम जो इसमें हुआ वो ये हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को जो सबसे पहला काम हुआ वो ये हुआ कि इसमें जो अध्यक्ष एक चुना जाना था तो एक जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। अब चूंकि तुरंत जो है चुनाव करा पाना इतना आसान नहीं था तो तब तक के लिए काम चलाने के लिए एक अस्थाई अध्यक्ष जो वहाँ का सीनियर मोस्ट मेंबर था उसको वहाँ पर एक अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक ऐसा प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद करना है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थाई अध्यक्ष ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा इनको चुन लिया गया, ठीक है। और अब देखिए, चूंकि ये जो है संविधान सभा में आपको पता ही था कि मुस्लिम लीग जो है वो बहुत ज़्यादा उसको एक बेटर पोजिशन में वो नहीं थी, क्योंकि उसमें जो है उसकी सीट्स बहुत अच्छी नहीं आई थी, तो उन लोगों ने इसका संविधान सभा का बहिष्कार किया और जो उनका मतलब वो सीधी कार्रवाई दिवस जैसा वो 16 अगस्त से मनाई रहे थे तो उसमें अपना विभाजन के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा प्रयास तेज कर दिए, तो खैर वो लोग यहाँ पर शामिल नहीं थे। इसी प्रकार से वो लोग आगे चल के जब जैसे मंत्रिमंडल वाला, चलिए उसको हम लोग बाद में ही डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। उसके बाद देखिए, उसके टू डेज बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष को हटा करके और स्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया राजेंद्र बाबू को, अपने बिहार के जो राजेंद्र बाबू हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको स्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। पहले संविधान सभा के अध्यक्ष या पहले क्या बल्कि एक ही थे ही, तो मतलब स्थाई अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक प्रश्न जो मतलब हर एग्जाम का बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो ये है कि संविधान के सलाहकार कौन थे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उपाध्यक्ष किसको चुना गया। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया हीरेन चंद मुखर्जी को।
एच सी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, प्रश्न आ चुका है। तो हीरेंद्र मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। उसके बाद एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो होता है संविधान का सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार या वैधानिक सलाहकार, तो ऐसे करके प्रश्न आता है। तो ये संवैधानिक सलाहकार जो है ये चुना गया बीएन राव को, बेनेगल नरसिंह राव, बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। मतलब एडवाइजरी आप कह सकते हैं कि लीगल एडवाइजर जो है वो चुना गया संविधान सभा का। तो वो चुना गया आपका 11 दिसंबर को, दो दिन बाद ये तीन काम हुए, ठीक है। उसके दो दिन बाद, तो यहाँ पे देखिए इसके भी दो दिन बाद, टू डेज, इसके दो दिन बाद देखिए 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को, इसमें हमारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जे एल नेहरू, नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया, सॉरी, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव ये है क्या? तो उद्देश्य प्रस्ताव में दरअसल जो हमारे संविधान के उद्देश्य थे, यानी संविधान के क्या आदर्श होंगे, उसकी क्या दर्शन होगा, क्या फिलॉसफी होगी, या फिर जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श थे उनका संविधान पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, इन सभी बातों को लेकर के एक संविधान का उद्देश्य स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि संविधान हमारा इस एक मोटे खाके में होना चाहिए। इनमें क्या क्या बातें थी ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम प्रस्तावना आपको पढ़ाएंगे, अभी कुछ दिनों में उसका आ जाएगा। तो प्रस्तावना जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसकी कौन सी बातें प्रस्तावना में डायरेक्ट रखी गई, कौन सी नहीं रखी गई, तो उससे आप लोगों को इसे समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, और ये प्रस्तुत किया गया कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक, तो इसके लगभग 40 दिन कब हो रहे हैं? तो आप देखिए 13 दिसंबर से 40 दिन जो होंगे वो आपका होगा 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो है ये स्वीकृति मिली इसको, यहाँ पर एक्सेप्टेड हो गया, ये प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया 22 जनवरी 1947 को। ये डेट वैसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में तो नहीं पूछी गई, लेकिन फिर भी एक दो बार पूछी गई तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके बाद देखिए 22 जनवरी से 6 महीने बाद, तो 22 जनवरी से 6 महीने बाद 6 months आता है 22 जुलाई 1947। अब देखिए ये यहाँ पर ये एक स्पष्ट हो चुका था कि भारत को आज़ादी मिलने वाली है, क्योंकि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो पारित हो चुका था ब्रिटिश संसद में। तो ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को जो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया, और 19 जुलाई को वो वहाँ पर पारित हो गया, और उसमें ये बात लिखी हुई थी कि 15 अगस्त को जो है वो भारत को आज़ादी दी जाएगी, ठीक है। तो ये 22 जुलाई 1947, और उसी में ये भी लिखा हुआ है 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान को, 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। और ये जो है 22 जुलाई, अब जब वो 19 जुलाई को पारित हो गया तो फिर संविधान सभा में सब लोगों ने डिस्कस किया कि भाई अब एक जो है भारत के जो तिरंगा है उसको, यानी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको जो है उसको भी मतलब एक्सेप्ट किया जाए। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तो ये राष्ट्र ध्वज अपनाया गया, ये अगेन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि
इसको याद करना। देखिए वैसे आप पिछले से भी कनेक्ट कर सकते हैं 6 महीने से, और नहीं तो ये आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त को था, तो 15 अगस्त के कुछ ही समय पहले ये जो है 22 जुलाई को इसको किया गया, ठीक है। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 19 जुलाई को आपको जो है जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था उसमें पास किया गया वो ब्रिटिश संसद में, उसके कुछ दिन बाद जो है 3 दिन बाद यहाँ पर राष्ट्रध्वज अपना लिया गया। अब ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कि 19 तारीख को और 4 तारीख को, ये सारा जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, पर अभी हम एक याद करने के लिए उसको बता दिए। तो ये देखिए ये आपका हो गया 22 जुलाई 1947। उसके बाद अपना जो डेट आती है 15 अगस्त, आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 लागू हो गया, और इसके आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे वो मोहम्मद अली जिन्ना बने, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो लियाकत अली साहब बने, जो अपने यहाँ पहले भारत में वित्त मंत्री भी रह चुके थे, जो अंतरिम सरकार की अभी हम बात कर रहे थे उसमें वो जो है वित्त मंत्री का पद संभाल चुके थे, एक्सपीरियंस थे, तो उनको वहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि गवर्नर जनरल बनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। वो हमारे पॉलिटी में कुछ ऐसा खास है नहीं, इसलिए हम उसको अलग से लिख नहीं रहे। और 15 अगस्त को जो है वो भारत में संविधान, मतलब 15 अगस्त को मध्य रात्रि में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो है लागू हुआ, भारत का जो है अस्तित्व आया, जो स्वतंत्र भारत का अस्तित्व आया। और आपको पता है कि मध्यकाल में ही संविधान सभा की बैठक हुई, और वहाँ पर नेहरू जी का वो प्रसिद्ध भाषण जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है वो जो है उन्होंने दिया। ये सभी आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अगले दिन फिर जो मंत्रिमंडल था उनको शपथ वगैरह दिलाई गई, तो वो उनका जो है अपना मतलब एक अलग हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसके माध्यम से देखिए जो संविधान सभा थी उसको एक तो संविधान निर्माण का दर मतलब संविधान निर्माण का कार्य दिया गया, उसके साथ ही विभिन्न जो विधियों का निर्माण, यानी संविधान तो सर्वोच्च विधि है, उसके साथ ही जो विभिन्न अलग अलग विधियाँ जो जरूरी रहती हैं उनका भी निर्माण का दायित्व दिया गया। और इन विधियों को मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए संविधान सभा को विधायिका का भी दर्जा दिया गया, ठीक है। और एक संविधान सभा को पूर्ण संप्रभु निकाय घोषित किया गया। आप लिख ही लीजिए कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय। अब जिसको संप्रभु का मतलब नहीं पता वो पिछली भी क्लास देख सकता है, मेरी पहली क्लास, और नहीं तो वैसे संविधान संप्रभुता का मतलब ये होता है कि अब जो है बाहरी किसी दबाव को नहीं माना जाएगा, भारतीय अपने हिसाब से अपने संविधान के निर्माण के लिए स्वतंत्र थे और वो किसी बाहरी दबाव को नहीं मानेंगे, अन्य देश भी उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो ये संविधान सभा जो है वो पूर्णतः संप्रभु निकाय के रूप में उसको घोषित किया गया, उसके साथ ही इसको एक विधायिका का भी दर्जा दिया गया कि ये अब विधि निर्माण भी कर सकती है, विधायिका का भी दर्जा। और बाकी संविधान का निर्माण तो है वो तो इसका दायित्व था ही, विधायिका का दायित्व, लेजिस्लेटिव का दायित्व इसलिए दिया गया ताकि ये विधि निर्माण कर सके। तो देखिए ये हमारा हो गया भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। इसके देखिए 14 दिन बाद 15 अगस्त से 14 दिन बाद हुआ 15 दिन ये 15 अगस्त और उसके बाद 14 दिन बाद हुआ 29 अगस्त का दिन आता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 29 अगस्त का दिन बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन जो हमारी प्रारूप समिति थी, अब देखिए संविधान बनना है तो संविधान बनने के लिए एक सबसे पहले तो एक कोई ड्राफ्ट भी तो तैयार होना चाहिए भाई, मुद्दों पे बहस जो है वो किसके किस मुद्दों पर की जाए, तो एक ऐसा कुछ खाका बनाया जाए विभिन्न जो देश उस समय स्वतंत्र हुए थे या फिर जिनका जिनका भी संविधान हमारे पास था, तो उनके ड्राफ्ट उनके संविधानों का अध्ययन करके हम लोग कुछ एक ऐसा एक खाका बनाएं जिस पर कि बहस हो सके तमाम मुद्दों पर। तो ये 29 अगस्त 1947 ये डेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, इसी को प्रारूपण समिति करके भी पेपर में आ जाता है, इसी को देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्ट कमेटी भी आ जाता है। तो ड्राफ्ट कमेटी
कमेटी की स्पेलिंग देखिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है, COMMITEE। तो ड्राफ्ट कमेटी जो है वो भी इसी को बोल दिया जाता है, प्रारूप समिति भी इसी को बोल दिया जाता है और मसौदा समिति भी इसी को बोल दिया जाता है। तो आप ये तीनों ही नाम याद रखिए, क्योंकि प्रश्न जब भी पेपर में पूछे जाते हैं वो किसी भी नाम से पूछ दिए जाते हैं, बल्कि ये प्रारूप को प्रारूपण भी कर देते हैं, ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग भी कर देते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, और मसौदा को वो लोग मसविदा समिति भी लिख देते हैं, मसविदा, तो ये भी जो है वो लोग लिख देते हैं। तो आप कुल मिला के आप ये समझ लीजिएगा प्रारूप समिति के बारे में बात हो रही है, जो 29 अगस्त 1947 को जिसका गठन हुआ था। अब इसमें देखिए, इसमें गठन हुआ तो इसमें कितने मेंबर्स थे, ये तो मतलब एकदम फेवरेट प्रश्न है। तो देखिए ये इसमें जो है कुल मिला के 1+6 सदस्य थे। ये 1+6 का मतलब होता है 7, लेकिन ये 1+6 लिखने का मेरा तात्पर्य ये है कि एक उसमें अध्यक्ष था और 6 सदस्य थे। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं याद करेंगे तो कई बार इसमें ये डाउट हो जाता है कि जो अंबेडकर जी थे इसके अध्यक्ष, वो मतलब वो इन 6 सदस्यों के अलावा थे, मतलब जो 7 सदस्य कहे जाते हैं कि 7 सदस्य थे, तो 7+1 था या 6+1 था, 7 में इंक्लूडेड थे या एक्सक्लूडेड थे, तो ऐसे कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए हम लोग 1+6 करके इसको याद कर लें। इनके जो अध्यक्ष थे वो आप सभी को पता ही है कि अध्यक्ष जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इस समिति के अध्यक्ष थे, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है प्रश्न। और अंबेडकर जी जो है इनका निर्वाचन देखिए सबसे पहले हुआ था बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था, लेकिन जब बंगाल ये विभाजन के बाद चला गया उसमें भाई 1946 में ये जो है मतलब 1946 में इनका निर्वाचन हुआ, लेकिन जब ये चला गया पाकिस्तान के हिस्से में, तो फिर इनका निर्वाचन जो पुनर्निर्वाचन हुआ वो हुआ बम्बई से। पहले ये जो है इनको कांग्रेस ने जब टिकट नहीं दी, तो ये चूँकि इनकी एक अलग पार्टी थी, कांग्रेस ने इनको नहीं टिकट दी, ये नहीं जीत पाए वहाँ से, तो फिर उसके बाद जो है मुस्लिम लीग से जब ये जीते तो यहाँ पर जो है बम्बई में, लेकिन जब ये क्षेत्र उसमें चला गया पाकिस्तान में चला गया, तो फिर ये बम्बई में इनको कांग्रेस से टिकट मिली। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि उस समय जो मतलब महात्मा गांधी जो कि हालांकि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उन्होंने 1933 में कांग्रेस छोड़ दी थी, मगर उनका प्रभाव देखिए कांग्रेस में बहुत ज़्यादा था, कांग्रेस का पत्ता भी नहीं हिल सकता था बिना उनकी आज्ञा के। तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अंबेडकर जी को महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि इनको जो है अंबेडकर को ज़रूर संविधान सभा में भेजना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के लिए सबसे आदर्श और सबसे योग्य पुरुष हैं जो कि वहाँ संविधान सभा में होने चाहिए, और इनकी भूमिका भी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं कि ये जो है उन्होंने ही कहा था, गांधी जी ने ही कहा था। देखिए यहाँ पे एक बात ये आती है कि जो विभिन्न प्रकार की किताबें हैं जो सस्ती मतलब लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो लोग ऐसा लिख देते हैं कि गांधी वर्सेस अंबेडकर, मतलब ये दोनों में आपस बहुत ज़्यादा नफरत थी और ऐसा था वैसा था, दोनों शत्रु थे, तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअल अगर आप अच्छे गहराई से इसको अध्ययन करेंगे तो गांधी और अंबेडकर में कुछ मुद्दों पर टकराव होता है, लेकिन जो बड़े लोग महान लोग होते हैं उनमें आपस में नफरत नहीं होती है कि आप ये सोचेंगे आपस में नफरत है, तो ऐसा नहीं कुछ था उसमें, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस गांधी हों, चाहे वो मतलब आपके ये अंबेडकर और गांधी हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका हमें यहाँ पर भी एक प्रमाण मिल जाता है, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया अध्यक्ष जो है इसके अंबेडकर बनाए गए। इनके जो 7 सदस्य थे वो भी याद करना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, और उसकी कुछ एक ट्रिक्स भी होती हैं। बहरहाल आप देखिए कि 7 सदस्य थे कौन, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आता है नाम, ये 7 सदस्य आप बस इसको याद करने के लिए सबसे है तो ये समझ लीजिए कि मतलब जैसे लग रहा है कृष्ण भगवान खुद ही आगे संविधान लिखने आए थे, खुद ही वो प्रारूप समिति में शामिल हो गए थे, इसलिए कृष्ण भगवान के ही नाम पर लगभग सदस्यों के नाम है इसमें। कैसे तो देखते हैं, पहले थे एन गोपाला स्वामी आयंगर, इनमें देखिए गोपाल आ गए, एन गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी
अय्यर, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर। तो यहाँ पर भी देखिए कृष्ण आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि जो के एम मुंशी या टीटी कृष्णा माचारी, देख लीजिए टीटी कृष्णा माचारी, यहाँ पे भी कृष्ण आ गए। के एम मुंशी बोलते हैं तो के एम मुंशी का नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। के एम मुंशी भी बोल दिया जाता है इनको शॉर्ट में, ज़्यादातर बुक्स में आपको मुंशी मिलेगा। तो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ये भी जो है हो गए आपके मतलब कृष्ण जी के ही नाम पे। उसके बाद देखिए एन माधव राव, माधव भी बोल दिया जाता है। और एक आपके थे मोहम्मद सादुल्ला, तो मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। ये आपका देखिए, ये आपके 6 सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी अय्यंगर गोपाल, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, तो कृष्ण, उसके बाद टीटी कृष्णामाचारी कृष्ण, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी कन्हैया, एन माधव राव माधव, और ये जो है मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ये जो पहली बात तो ये देखिए कि एक तो आपका ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एन माधव राव थे, एन माधव राव थे, ये आए थे दरअसल बीएल मित्र की जगह पर। बीएल मित्र, बीएल मित्र के त्यागपत्र देने पर एन माधव राव आए थे। तो देखिए अब ये यहाँ पर कंफ्यूजन आती है कि किसके त्यागपत्र देने पर कौन आया था, क्योंकि ऐसे ही एक थे टीटी कृष्णामाचारी, जो कि आपके डीपी खेतान जो थे उनकी मृत्यु होने पर टीटी कृष्णामाचारी आए थे। तो अब इसको अगर आप देखिए तो टीटी कृष्णामाचारी आए थे डीपी खेतान की मृत्यु पर, तो जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो फिर टीटी कृष्णामाचारी आए। अब देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको कैसे याद करें। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये माधव, माधव और मित्र, तो माधव यानी कृष्ण का संबंध जो है वो मित्रता से बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, सुदामा, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। तो माधव और मित्र, मित्र से आपका देखिए माधव और मित्र तो मिल रहा है, मित्र से आपका त्याग पत्र बन रहा है, तो मतलब दोनों का लास्ट वर्ड अगर देखें तो वो सेम है, तो मित्र पत्र, तो मित्र ने त्याग पत्र दिया था, ठीक है। खेतान ने जो है वो मृत्यु उनकी हुई थी तब टीटी कृष्णामाचारी आए थे। इसमें देखिए कि डीपी खेतान इनकी मृत्यु हुई थी, इसको याद करने के लिए आप सोच सकते हैं खेतान का पंखा आता है, तो मतलब कुछ ऐसा मृत्यु से आप समझ लीजिए कि ऐसा सुसाइड उसाइड टाइप में, ऐसा आप एक माइंड में इमेज बना सकते हैं कि वो जब हो गई तो फिर ये टीटी कृष्णामाचारी आए यहाँ पे। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो गोपाला स्वामी अय्यंगर और अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, ये देखिए दोनों नाम सेम है लगभग, क्योंकि गोपाला स्वामी कृष्णा स्वामी सेम है, उसके बाद अय्यंगर और अय्यर लगभग सेम है, तो ये दोनों एक तो सेम है। दूसरी बात ये कि आपके जो इधर टीटी कृष्णामाचारी हैं, उसके बाद ये कृष्णामाचारी देखिए ये इन्हीं की तरह हैं, जैसे ये गोपाला स्वामी है, कृष्णा स्वामी है और कृष्णामाचारी है, ये तीन को आप एक ही जोन में ले लीजिए। उसके बाद देखिए बाकी जो बनते हैं वो बनते हैं आपके मोहम्मद सादुल्ला मुंशी, के एम मुंशी से एम ले लीजिए, मोहम्मद सादुल्ला से एम ले लीजिए, और सॉरी सादुल्ला से एस ले लीजिए और माधव राव से एम ले लीजिए, तो ये आपका एमएमएस भी बन जाता है। तो के एम मुंशी, मुंशी से एम, और ये मोहम्मद सादुल्ला से एस, और ये जो है माधव राव से एम। तो ऐसे करके इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं। बाकी वैसे इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो अध्यक्ष भी पूछा जाता है, साथ में ये जो सदस्य पूछे जाते हैं इसमें किसके स्थान पर कौन आया, और वो जो गया वो कैसे गया, मृत्यु से गया या त्यागपत्र से गया, ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी आपको ट्रिक बताने की कोशिश की। तो चलिए ये अब हम लोग ने देखा कि प्रारूप समिति जो बनी उसके ये सदस्य थे, ये अध्यक्ष थे,
इन्होंने लगभग 114 दिन बहस की प्रारूप समिति ने। अब देखिए प्रारूप समिति ने 114 दिन बहस की और तब जाके संविधान सभा का एक मतलब संविधान का एक प्रारूप उन्होंने तैयार किया जिसपे कि तमाम मुद्दों पर बहस हो सके। मतलब आप समझ लीजिए कि एक तो पूरी हमारी संविधान सभा थी, उसके अलावा एक उसी में कोना एक कमरा जो है आप मान लीजिए कि प्रारूप समिति का था, उसमें सारी महत्वपूर्ण बातें डिस्कस होती थी, उसमें जो भी डिस्कस होती जो भी ड्राफ्ट बनाया जाता था उसको फिर पूरे संविधान सभा में सभी सदस्यों के समक्ष लाया जाता था, फिर सभी सदस्य उस पर अपनी जो है बात रखते थे और आम सहमति से उसको पारित कराने की कोशिश करते थे। ऐसे करके हमारा जो है संविधान तैयार हुआ। तो प्रारूप समिति जो है उसमें 114 दिन की बहस हुई और लगभग 60 देशों का संविधान जो है यहाँ पर इन लोगों ने देखा पढ़ा समझा। अभी इस आधार पर कई लोग संविधान की आलोचना भी करते हैं कि ये तो जो है दूसरे उधार का थैला है, मतलब जो है बोरो ऑफ बास्केट है, क्योंकि ये तो मतलब हम लोग दूसरे संविधान दूसरे देशों के संविधान से ले लिया है सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है। वैसे तो इसको हम लोग अलग से एक संविधान की आलोचना करके टॉपिक होगा उसमें समझेंगे, पर अभी के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसा इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि हम लोगों को एक व्यावहारिक संविधान बनाना था, प्रैक्टिकल संविधान बनाना था। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर हमें किसी भी संविधान की कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो उसको हम लोग अपने यहाँ पे अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट कैसे हुआ है, अडॉप्ट करने के टाइम पे हम लोग किसी के दबाव को नहीं माने हैं, बल्कि हम लोग पूर्ण रूप से संप्रभु थे, सॉवरेन थे। तो इसलिए हम लोग जब भी उसको अडॉप्ट करते थे तो प्रॉपर उस पर एक जो मतलब बहस और वोटिंग उसके द्वारा ही हम लोग उसको स्वीकार करते थे। तो इसलिए इसके उधार का थैला कहना वो गलत है। अगर कहीं पर कुछ अच्छी चीज़ है तो उसको लेने में कोई वहाँ पर बुराई जो है ऐसी नहीं होती है। तो ये तो देखिए आपका हो गया कि जो प्रारूप समिति थी उसके बारे में हम लोगों ने समझा कि ये क्या था। लेकिन देखिए संविधान जब बना तो उसमें अलग अलग मतलब कई सारे ऐसे समितियां बनी थी जिसके आधार पर ये जो है समितियों के आधार पर संविधान के अलग अलग कार्य वो निर्धारित हुए। तो कई सारी समितियां बनी थी, केवल एक प्रारूप समिति नहीं थी। तो यहाँ पर जो और भी कई सारी समितियां थी उसमें आप देखिए कि और कौन कौन सी थी। तो एक तो थी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। दूसरी, अब हम समिति सबके आगे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कई सारी है तो इससे आप समझ जाइएगा। जो संघ शक्ति समिति थी, चलिए अच्छा आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये इसके आगे की जो समितियां थी वो चूंकि एक लंबा टॉपिक है तो उसको हम लोग एक मतलब अलग क्लास में ले लेंगे, इसके जो अगली क्लास होगी उसमें ले लेंगे, और अभी इसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।